तां सरगर्मी वध रही है इस विचाले दावे जित दे हर सियासी धिर दे वल्लों कीते जा रहे ने। बीजेपी भी उस विच शामिल है। बीजेपी अकाली गठजोड़ दो बार जित हासिल कर चुका बैक टू बैक 2007-12 दे विच ते हुण 17 च हैट्रिक दा दावा है। उधर बीजेपी दे कौमी मुखी अमित शाह ने चंडीगढ़ दे विच वी बीजेपी दे यूथ वर्करां नूं संबोधित किया अते निगम चोणां दे विच जित दा शंखनाद किया। चंडीगढ़ च 18 दसंबर नूं नगर निगम दीआं चोणां होणीआं ने। इस तों पहलां बीजेपी दे कौमी मुखी अमित शाह ने इत्थे पहुंच के ना सिर्फ जित दी हुंकार भरी बल्कि भ्रिष्टाचार दे मुद्दे ते कांग्रेस नूं घेरदे होए कांग्रेस उप प्रधान राहुल गांधी ते सीधा हमला बोलिया। अमित शाह ने इत्थे पहुंचे पार्टी वर्करां नूं एकजुट हो के जित दे लई काम करन दी अपील कीती। भारतीय जनसंघ ने ऐसे भी दिन दिखे थे कि जब जमानत जब्त नहीं होती थी तो कार्यकर्ता पार्टियां देते थे, जितना क्या जीतने का तो स्वप्न भी नहीं आता था। मगर जिस प्रकार से संगठन बनाना चाहिए उस तरह से अगर संगठन बनता है तो मैं आपको बताता हूं चुनाव में हमें कोई परास्त नहीं कर सकता। मित्रों, कोई परास्त नहीं कर सकता। जवाब मांगते हो राहुल बाबा, आप जवाब दो। 10 साल तक एक के बाद घपले, घोटाले, 12 लाख करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार एक कांग्रेसी सरकार ने किया था। अमित शाह ने एक पासे चुनावी शंखनाद की तरह दूजे पासे नोटबंदी का जिक्र करना भी वो नहीं भुले। शाह ने कहा कि नोटबंदी नाल जिथे दहशतगर्दा के मनसूबे पस्त हुए ने उथे भारतीय फौज सरहद से दहशतगर्दा की हर हरकत का मकूल जवाब दे रही है। जब मोदी जी ने कार्यवाही कर दी और उनका भी कुछ चला गया लगता है तो अब वहां उल्टी हो इतहाय तो बा मची है। क्यों नोटबंदी करी? आज देश के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले सारे आतंकवादी ग्रुप निर्धन होकर पड़े हैं, इनके पास एक पैसा नहीं बचा। अगर गोलीबारी होती है तो उसकी समाप्ति हिंदुस्तान की सेना करती है मित्रों, क्योंकि उनको किसी का ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार ने ऑर्डर दिए हुए, वहां से गोली आती है, इसका जवाब गोले से दिया जाए। अमित शाह इतने बीजेपी के बूथ पद्धर के वर्करों संबोधित करने पहुंचे हुए सन। हालांकि इतने उन्होंने कांग्रेसी वर्करों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। जगतार भुल्लर, जी मीडिया, चंडीगढ़।